जय माता दी फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ बसौड़ा किस तरीके से किया जाता है, यानी जो रामनवमी वाली सुबह होती है उस दिन हमारे यहाँ पे बसौड़ा किया जाता है। हमारी कुल देवी शीतला माता की पूजा की जाती है और ये पूजा जो है रात में 1 से 3 बजे के टाइम, मतलब टाइम बीच में की जाती है, क्योंकि उस टाइम पे बोलते हैं कि कोई भी पशु या पक्षी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, सब लोग सो रहे होते हैं गहरी निद्रा में, तो उसी टाइम पे, क्योंकि शीतला माता को कहा जाता है ना कि वो शीतल होती हैं, वो ठंडा उनको किया जाता है, तो इसलिए इसी टाइम पे पूजा करते हैं। तो इसके लिए जो दुर्गा अष्टमी वाला दिन होता है उस दिन शाम को जब सूरज देवता डूब जाते हैं उस समय एक कलश स्थापना किया जाता है रसोई घर में, और उसके पहले यानी दिन में ही किचन पूरा साफ कर लिया जाता है, उसके बाद से किचन में कुछ भी नहीं बनता है। अगर आपको बनाना है तो कुछ लोग बाहर बना लेते हैं या तो पहले बना लेते हैं। तो इसके लिए मेरी मम्मी ने ये चावल को पीस के उसमें हल्दी मिला के उसका ऐप्पन बनाया है और उससे 7 थापे मारे जाते हैं। ये देखिए 8:30 बजे के आसपास ये कलश स्थापना किया था मम्मी ने, तो इस तरीके से टाइल्स है ना तो इस पर क्लियरली नहीं दिख रहा है, वो टपक जा रहा है। फिर इन थापों को सिंदूर और घी से टीका किया जाता है और ये जो ये कलश था इसमें आम के और नीम के पत्ते लगाए जाते हैं। नीम के पत्तों को में बोलते हैं कि शीतला माता का वास होता है, इसलिए इसमें नीम के पत्ते लगाए जाते हैं और आम के लगाए जाते हैं। आम के पत्ते तो पता है हर कलश स्थापना में ज़रूरी होते हैं। इन पत्तों पे भी घी और सिंदूर से टीका किया जाता है। उसके बाद फिर जोत जला दी जाती है और माता को, शीतला माता को एक साड़ी, कोरी साड़ी चढ़ाई जाती है। इतना करने के बाद ये रात भर ऐसे ही यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। उसके बाद सब लोग सो जाते हैं। फिर रात के 12 बजे के बाद यानी 1 से 3 बजे का जो समय होता है ना वो एकदम शांत वाला होता है, जिस टाइम पर हर कोई सो रहा होता है, तो ये पूजा उसी टाइम पर किया जाता है। रात के 12 बजे सब लोग उठते हैं, नहाते धोते हैं और उसके बाद से हमारा ये बसौड़ा शुरू हो जाता है। तो ये देखिए इतना हो गया। इसके बाद घर के सब लोग आके यहाँ पे अपना मत्था टेकते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको रात के 2 बजे का सीन दिखा रही हूँ। 2 बजे उठ के मेरी मम्मी ने पहले जो चढ़ाया जाता है नहा धो के वो बनाया, उसमें हम लोगों के यहाँ सबसे पहले उरद, जो साबुत उरद होती है ना, उसको उबाला जाता है सिर्फ नमक डाल के, इसमें और कुछ भी नहीं ऐड किया जाता है। बाद में आप इसे तड़का मार के हल्दी मिर्च जो भी डालना है डाल सकते हो, लहसुन प्याज छोड़ के, लेकिन इस टाइम सिर्फ इसको ऐसे सादा बनाया जाता है। और चावल बनाए जाते हैं थोड़े से सादे और पूड़ी बनाई जाती है। सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों से पूजा की जाती है। फिर इस पूजा करने के बाद से ही किचन में पक्का खाना बनना शुरू हो जाता है और वो सुबह सूर्योदय से पहले ही सब बना के रख लिया जाता है, फिर सूर्योदय के बाद नहीं बनाया जाता है। फिर उस दिन पूरे दिन हम लोगों को यही खाना होता है। फिर शाम को जब सूर्य देवता डूब जाते हैं तब आप कुछ बना सकते हो। इसके बाद ये 2 बजे रात को ये बाहर, यानी ये तो घर के बाहर की जाती है, बट यहाँ शहर में 2 बजे रात कौन गेट खोलेगा, तो इसलिए हम लोग ये छत पर पूजा करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जल, वो मतलब भूमि को शुद्ध किया, उसके बाद ये जो ऐप्पन था इससे, मतलब हाथ को ज़मीन पे नहीं टच करते, सिर्फ इस ऐप्पन से ही ऐसे गोठा जाता है, यानी एक सर्कल बनाया जाता है गोला, जिसको हम लोगों की लैंग्वेज में गोठना बोलते हैं। तो उसके बाद इसमें फिर ये मिट्टी की 60 ढेलकियाँ ले जाती हैं, जिनको हम लोग शीतला माता का स्वरूप माना जाता है। तो शीतला माता कहते हैं ना कि वो चेचक की देवी होती हैं, यानी अगर उनकी पूजा अर्चना करो तो बच्चों को चेचक नहीं होता है, ये सब माना जाता है हम लोगों में। तो फिर इस तरीके से ये 60 ढेलकियाँ लगाई जाती हैं। फिर उसमें सेम वैसे जैसे हमने रात में कलश पे किया था वैसे ही घी से पहले और फिर सिंदूर से टीका किया जाएगा, और जो प्रसाद मम्मी ने अभी वहाँ कलश पे चढ़ाया था सेम वही प्रसाद यहाँ चढ़ाया जाएगा। वैसे ही 7 बार 7ों माता के नाम से, शीतला माता बोलते हैं 7 बहनों का ग्रुप होता है तो इसलिए 7-7 करते हैं। फिर 7 बार पानी से आचमन देंगे, फिर सब लोग आशीर्वाद लेंगे इनका, और उसके बाद से फिर किचन में पूड़ी पकवान यानी जो कुछ भी आपको बनाना है वो बनने लगता है। तो अगले दिन रामनवमी भी होती है उस दिन, और कन्या पूजन भी होता है, हम लोगों के यहाँ नवमी पूजी जाती है तो उसी दिन कन्या खिलाई जाती है, तो वो सारी चीज़ें बनने लगती है। ये मेरा वीडियो 2-3 पार्ट में आएगा, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या बनाया था कन्या पूजन में, कैसे किया हवन, कैसे किया, ये सब दिखाऊंगी। तो ये देखिए मेरी मम्मी ने घी और गुड़ से टीका कर दिया सबका, सब माता लोगों का। अब इसके बाद वही पूड़ी, उस पर चावल और वही साबुत उड़द जो है डाल के चढ़ा देंगे, बस
दिन हम लोगों के यहाँ गुलगुले या मीठे पुए भी बहुत शुभ माने जाते हैं, बनाए जाते हैं, पर वो चढ़ाया नहीं जाता। सिर्फ ये तीन चीज़ें ही चढ़ाई जाती हैं, बाकी वो सब आप भगवान को भोग लगा सकते हो और खाने में यूज़ कर सकते हो। तो ये छोटी सी हमारे यहाँ बसौड़ों की पूजा होती है। पूजा तो बहुत सिंपल होती है, बस यही इसमें एक टफ होता है कि रात में जग के सब कुछ जल्दी जल्दी करना होता है, किसी भी पशु पक्षी की आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए। जय माता दी दोस्तों।